हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में मिल सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मजदूरों के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, 19 लाख मजदूरों को मिलेंगे 5500 रुपए। तो ये कैसे मिलेगा और किनको मिलेगा, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पहले गवर्नमेंट जो है इन मजदूरों को 3000 रुपए सालाना सरकार निर्माण मजदूर को चिकित्सा मद में देती है। अभी जो है 5000 रुपए इस महामारी के समय में सरकार जो है इन मजदूरों को देगी। इस पे जो है चर्चा चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भवन निर्माण हेतु जुड़े 19 लाख से अधिक कामगारों को सरकारी राहत मिलने के आशा है। सरकार इन्हें कपड़ा एवं चिकित्सा के मद में सालाना मिलने वाला 5500 रुपया उन्हें जल्द ही अग्रिम मिल सकता है। कोरोना के कारण काम से वंचित इन लोगों को आर्थिक सहायता देने पर मंथन चल रहा है, ताकि लॉकडाउन में इन्हें भुखमरी का संकट ना हो। दोस्तों, अभी आपके पास मौका है, इसे आप आवेदन करते हैं, आपको आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, यानी कि आवेदन सफल हो जाता है, तो आपको जो है 5500 रुपए मिलेगा। और जो पहले से इसके सदस्य हैं, इस योजना से जुड़े हुए हैं, उनको तो 5500 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके पास भी अभी एक चांस है कि आपको पैसे मिल सकते हैं, आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भर लेते हैं तो। कि और जो है 5500 के अलावा और क्या क्या अतिरिक्त इसमें मिलने वाला है फायदा, तो जैसा मैं बता दूं कि इसमें जो है काफी पुराना ये योजना है, आज की योजना नहीं है, योजना काफी पुरानी है। लेकिन इसमें 5500 रुपए जो अभी गवर्नमेंट दे रही है, ये अभी स्थिति जो है हमारी महामारी के समय में, उस स्थिति को देखते हुए जो है अभी 3000 के बदले 5500 रुपए हर मजदूर को देने के लिए निश्चय कर रही है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या इसमें आपको योजना में बेनिफिट मिलेगा, सभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि मजदूर किसी भी कैटेगरी के हो, ठीक है, सभी को मिलेगा। वो चाहे हेल्पर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, जिस किसी भी फील्ड से वो करते हैं और मजदूरी का काम करते हैं, उनको ये सेवा का लाभ मिल सकता है। इस योजना में क्या क्या लाभ आपको मिलने वाला है, ये मैं आपको बता दूं कुछ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप योजना से 3 साल आपको जुड़े हुए हो गए हैं, तो आपको 20000 रुपए प्रत्येक वर्ष मिलेगा अपने मकान या भवन को मरम्मत करने के लिए, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक साल। आप साइकिल के लिए भी आप 3500 रुपए इनसे ले सकते हैं, अगर आपके पास कम से कम 1 साल की सदस्यता है तो। और इसमें आपको जो है मृत्यु लाभ भी मिलता है, अगर इस योजना से जुड़े हुए हैं उस समय में आपकी सामान्य मृत्यु होती है तो आपको 2 लाख रुपए सरकार देगी। और दुर्घटना मृत्यु की दशा में जो है 4 लाख रुपए देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लाभ मिलता है। आपको कई सारे हैं इसमें, दाह संस्कार के हो गए, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए भी इसमें मिलती है, इसमें पेंशन भी मिलता है, कोई शिक्षा के लिए आप बेनिफिट मिलते हैं, तो काफी सारे इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। इनमें किन किन को लाभ मिलेगा इस पीडीएफ में हमें देखने को मिल जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, क्योंकि मैं इसके पूरा पढ़ के आपको मैं बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो, और जितना मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। अविवाहित हैं तो आपको उसके लिए भी पैसे मिलते हैं, और विवाहित हैं तो आपके बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनके लिए भी पैसे मिलते हैं, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है तो आपको पेंशन भी मिलता है। तो काफी सारे इसके बेनिफिट इसमें है, जो मजदूर होते हैं उनको इसमें जो है सदस्यता मिल सकती है। जैसे मैं शॉर्टकट में बताना चाहूंगा, इसमें राजमिस्त्री, हेल्पर हो गया, बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, पेंटर हो गया, भवन निर्माण में करने वाले जो वर्क करते हैं उनके लिए हो गया, प्लम्बर हो गए, सेटिंग करने वाले लोग हो गए, इलेक्ट्रिकल हो गया, महिला कामगार वाले भी लोग हो गए, और ऐसे कई सारे मजदूर हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी मजदूर होगा इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आप पीडीएफ लोड करके आसानी से इसे पढ़ सकते हैं कि कौन कौन इसमें जो है भाग ले सकते हैं इस योजना में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें उम्र की जो योग्यता है वो 18 साल से लेकर 60 साल के व्यक्ति के लिए है या महिला के लिए है, तो दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसमें जो है आपको 5 साल में मात्र आपको जो है 50 रुपए देना पड़ेगा, राशि जो है इसका 5 साल में एक बार ही देना होता है। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ने वाली है, आपको बता दूं, आधार कार्ड की आपको फोटोकॉपी लगेगी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी, उम्र प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें आप आधार कार्ड भी अटैच कर सकते हैं, नियोजकों द्वारा 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र या स्वयं घोषणा पत्र आपको लगाना होगा, 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो देने होंगे, ये चीज आपको ऑफलाइन में देने होंगे, ठीक है दोस्तों। और आगे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको जो है आधार कार्ड को स्कैन करके डालना है, पासबुक को स्कैन करके डालना है, और आपके पासपोर्ट साइज जो फोटो होगा उसको स्कैन करके डालना है,
और आपके जो स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र होगा उसको स्कैन करके आपको अपलोड कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे ऑनलाइन की प्रक्रिया के लिए दो वेबसाइट दी गई है, तो एक बिहार गवर्नमेंट की तरफ से है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट हम जान सकते हैं जिसमें हर राज्य के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको ओपन करके देख सकते हैं या आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपकी जहां तक होगा सहयोग पूरा करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का आपको मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने ये जो है आपको एक बार पीडीएफ मैं दोबारा बता दूं कि पीडीएफ लोड करके आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें काफी अच्छे अच्छे बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। तो आपको मैं वेबसाइट की एक झलक दिखा दूं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नेशनल पोर्टल का है जहाँ पे कि हर राज्य के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सेल्फ हो गया, एम्प्लॉयर हो गया, एनजीओ हो गया, जिसके तहत आप आते हो, सेल्फ में अधिकतर तो सेल्फ ही होंगे तो सेल्फ कर ले, जो भी आप कैटेगरी में आते हो उसके आप कर ले। ठीक है, ये तो हो गया नेशनल का, और बिहार के लिए ये हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस आपको देखने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपको मोबाइल नंबर डालना होगा जो रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने डाला होगा, और आधार संख्या यहाँ पे डालना होगा और शो पे क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नए के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो जरूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको पूरी सहयोग करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग उठा पाए। अगले वीडियो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, भारत।